इस पर आपका तज् क्या है या ये वाकई हकीकत है आपके तजर्बे में के में के हिजाब करने वाली दुबट्टा लेने वाली लड़कियाँ सही पढ़ती पढ़ती नहीं है ये अब नॉर्मल होती हैं हया की कहानी आँखों से पढ़ी जाती है सिर्फ नकाब डाल लेने से कोई पर्दादार नहीं होता तो मैं जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं हूँ बिलाल भाई के जो नकब लेती है वो बहुत बेहतरीन है जो नकाब नहीं लेती वो बहुत बेहतरीन नहीं है ये मेरा मौक़ नहीं है मेरा मौक़ ये है कि जब कोई नकाब लेता है मैं तो ये देख रही हूँ और ये बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह ताला ने औरत को जो चीज़ सबसे खूबसूरत दी है वो उसका हुसन है और हमारे माशरे में जिसके पास कोई छोटी सी भी चीज़ अच्छी बेहतरीन होती है वो उसको दिखाने पर यकीन रखता है और वह दिखा के उसकी सतश और उसकी खूबी और उसकी तारीफ़ वसूल करता है एक औरत जिसको अल्लाह ने नेसन दिया है और वो हुसन को छुपा कर रखे आप तस्वुर कीजिए कि उसके अंदर किस कदर अज़मत एक मौजूद है वो है तो वो समझदार जो उसको छुपा के रख रही है वो है बहुत समझदार क्योंकि हीरे मोती ऐसे बाहर नहीं रोल दिए जाते कि जिसका दिल चाहे उठा के ले जाए लेकिन आप उस औरत उस बच्ची की कैफियत के बारे में बात करें औरत का आलम तो ये है कि जूं जूं एज आगे बढ़ती चली जाती है तो वापस अपने हुसन की तरफ आना चाहती है उसके लिए वो कुछ भी करती है अब वो बच्चियां जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियां हैं उम्र में हसीन शक्ल में हसीन और उसके बा और तारीफ भी उन्हें मिलेगी जब वो अपना चेहरा दिखा देंगी तो ज़ाहिर सताइश मिलती है लेकिन वो सब कुछ छुपा कर और अल्लाह की रजा के लिए या इवन अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी अल्लाह की रजा अपनी जगह सेल्फ डिफ़ेंस भी वो अपने आप को छुपा कर और वह बैठती हैं और वह तालीम हासिल करती हैं मैं ये समझती हूँ उनकी तो अजमत को सलाम करना चाहिए गो कि मैं कभी पर्दादार नहीं रही मैंने कभी अपने स्कूल कॉलेज में लेकिन मैंने मेरी दोस्तें वो थी जो पर्दादार दार थी क्यों क्योंकि मैंने समझा ये बहुत बेहतरीन है और इनके साथ रह के अल्लाह ताला आ, मुझे आ, आ, भी बेहतरीन